रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव की बड़ी धमकी आई है सामने, न्यूक्लियर हथियारों से लड़ा जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। ये रूस न्यूक्लियर हथियारों से तीसरे विश्व युद्ध में होगी भारी तबाही, ये रूस की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन को नहीं रखने देंगे न्यूक्लियर वेपन, रूस की तरफ से कहा गया है। और ये एक बार फिर से उसी दिशा में बढ़ते हुए लोग, जो कि हमेशा कहा जा रहा है कि क्या ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बार बार रशिया धमकी दे रहा है, उसके बाद अमेरिका सामने आता है और बीच में बेलारूस भी मौजूद है। इस सब के बीच में रूस के रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, वो उसे बड़ी धमकी के तौर पर लिया जा रहा है, न्यूक्लियर अटैक की धमकी से अमेरिका ब्रिटेन में हड़कंप मचा हुआ है। ये भी एक बड़ी खबर है, यूएस एयरफोर्स ने डूम्सडे प्लेन के साथ शुरू कर दी है ट्रेनिंग, संभावित रूसी न्यूक्लियर हमले की आशंका में ब्रिटेन भी है। यूके एक्सपर्ट्स ने शुरू किया संभावित हमले का विश्लेषण। देखिए दुनिया भर में अब इसको लेकर के तैयारियां कवायदें शुरू हो गई हैं, रूस ने न्यूक्लियर हमला किया तो क्या होगा, इस पर ब्रिटेन में विचार शुरू हो गए हैं। संभावित न्यूक्लियर हमले से निपटने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, ब्रिटेन पर रूसी न्यूक्लियर हमले की जताई जा रही है आशंका। यूक्रेन में जैसे जैसे युद्ध विनाशक होता जा रहा है, न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ती जा रही है। पुतिन के आदेश पर रूस की न्यूक्लियर कमांड अटैकिंग मोड पर है, रूस का न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट एक्टिवेटेड है। रूस के परमाणु हमले के खतरे के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने न्यूक्लियर अटैक के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने डूम्सडे प्लेन के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अमेरिका के स्पेशल E-4B एयरक्राफ्ट ने नेब्रास्का से उड़ान भरी। एटमी वॉर के लिए मॉडिफाइड किया गया ये खास प्लेन न्यूक्लियर अटैक की सूरत में मोबाइल कमांड सेंटर का काम करता है। इतना ही नहीं, ये स्पेशल एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर अटैक के दौरान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसी बीच लंदन में रूस के न्यूक्लियर अटैक से बचाव की तैयारियों पर चर्चा शुरू हो गई है। ब्रिटेन में सवाल उठ रहे हैं कि अगर रूस ने न्यूक्लियर अटैक किया तो क्या होगा। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि लंदन में आम लोगों को न्यूक्लियर अटैक से बचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।